I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अब मैं क्या बताऊं बेटी, तुम्हें यहां बहुत पहले आना चाहिए था। तो क्या शादी से पहले आती? हाँ बेटी। कोई खास नुक्स है मेरे अंदर? बच्ची को खतरा है? अच्छा यही है कि तुम अपनी सास या अपने पति को यहां भेज दो। आप मुझे बताइए, मैं अपना दर्द सहना जानती हूं। कोई दवा ले रही हो? हाँ। दर्द हो तो ये गोलियां और ये इंजेक्शन ले लेती हूं। इलाज किस डॉक्टर से करवा रही हो? मेरे पति के एक दोस्त हैं, डॉक्टर अमर। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बीमारी के बारे में जानता है। ये दवा इसी बीमारी के लिए है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप बताइए मुझे क्या बीमारी है। बेटी, तुम्हारे दिमाग में कैंसर है। तुमने जिद की तो मुझे बताना पड़ा। ब्रेन ट्यूमर है, डीप सीडेड होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं डॉक्टर नहीं, मेरी सास तो दादी बनने के सपने देख रही है। हौसला रखो बेटी, यहां भागों से कोई नहीं भाग सकता। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलो बेटी। ये बात मेरी सास को मत बताइएगा, वरना समय से पहले ही उनके सपनों में ग्रहण लग जाएगा। अरे शिखा भाभी, तुम अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बैठो ना। मैं तुमसे एक शिकायत करने आई हूँ डॉक्टर भैया। डॉक्टर से शिकायत कहते हैं, करते नहीं। क्या फिर दर्द हुआ? दर्द तो खात्मे पर है, लेकिन मेरी शिकायत कभी खत्म नहीं होगी। क्या आकाश से अनबन हुई? अब आखिरी दिनों में उनसे क्या अनबन करूंगी। ये सब तुम्हारे पास? जब तुम जानते थे डॉक्टर भैया कि मेरे सांसों की माला टूटकर बिखरने वाली है, तो तुमने आकाश का जीवन नष्ट क्यों होने दिया? तुमने उस महकते चहकते घर में इस लाश को क्यों जाने दिया? बोलो डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आकाश ने मना किया था। क्या उन्हें यह मालूम था? आकाश भी जानता था और उसके डैडी भी। धन्य है वो लोग जिन्होंने जानबूझकर विष पी लिया। हजार जन्म लेकर भी मैं उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक एहसान मुझ पर भी करोगे क्या भाभी? आज तक तुमने उनका राज रखा है, अब मेरा राज भी रख लो। बोलो। उन्हें ही पता ना चले कि मैं भी सब कुछ जान चुकी हूं, नहीं तो उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्या कहा लेडी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सब ठीक है भाभी। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मेरा भतीजा होगा या भतीजी? हमारी बहू बड़ी भाग्यवती है, जरूर बेटा होगा।
इस कुल को बढ़ाने वाली तू है। तेज नहीं चलना, बोझ नहीं उठाना। अब जाकर आराम करो, बहुत थकी थकी लग रही हो। अच्छा बुआ जी। जा सुहागवती रहे, तेरे आंगन में दर्जनों बच्चे खेलें। नींद नहीं आ रही? जिन आंखों में इतना बड़ा आकाश हो उनमें नींद कहां? सो जाओ। ना सोकर ये प्यार भरे पल खोना नहीं चाहती। सो जाओ मेरी जान। देखो तुमने फिर जान कहा, जान नहीं प्यार कहो। जान तो अनजान है, बड़ी बेईमान है। मुझे प्यार करो, मेरी आत्मा रेगिस्तान की तरह प्यासी है। आकाश तुम प्यार भरे बादलों की तरह बरसो। शिखा जाना है, मुझे जाना पड़ेगा आकाश, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। सही सांसें ले ले, लेकिन मेरी शिखा को बचा ले। उस पर तरस खा भगवान, शिखा को बचा ले। दया कर भगवान, दया कर। तुम यहां इस वक्त? आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं बहन। मेरे पास देने के लिए क्या है दीदी? एक वचन दोगी? बोलो दीदी। जो बात मैं बताऊं तुम किसी से नहीं कहोगी? नहीं कहूंगी। मेरे बाद आकाश का ख्याल रखना। तुम्हारे बाद? आशा, विधाता ने मुझे सब कुछ दिल खोल कर दिया है, घर परिवार सुख, मगर मगर उम्र और सांसें देते हुए वो कंजूसी कर गया। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मेरा अंत करीब है, मेरी सांसें गिनती की हैं, मुझे कैंसर है। कैंसर? नहीं दीदी ये नहीं हो सकता। नहीं दीदी, नहीं दीदी ये नहीं हो सकता। आकाश को मुझसे ज्यादा तुमने चाहा है। नहीं नहीं, उसकी देखभाल करना, उसे सहारा देना। हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है। ये प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है।
और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से ही तय किया गया था। मुझे माफ कर देना डैडी, आप लोगों का दुख अब मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ, ये किसी जन्मदिन की पार्टी है या शादी की? अरे आज मेरी बहुरानी का पहला जन्मदिन है, ऐसे ही धूमधाम से मनाओगे। पूरनमल, हाँ जी, मिठाइयाँ अच्छी बनाई है ना? सेठानी जी, मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। हाँ, वहाँ नहीं, यहाँ रखो। अच्छा जी। अरे कमला। हाँ? आकाश कहाँ है? भैया तो अपने रूम में है। आकाश। हाँ? भाभी कहाँ है? किसी सहेली से मिलने गई। सहेली से मिलने नहीं गई, अग्रवाल का चैरिटी शो करने गई है। ये देखो कार्ड। ये तुमने क्या किया शिखा? जो बहुत पहले करना चाहिए था। मौत कैंसर के रूप में मुझे ना मुराद ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने इन 6 महीनों में 6 जन्मों की खुशियां देकर मौत को भी शर्मिंदा कर दिया। डॉक्टर अमर, प्लीज कुछ करो। रोना नहीं, हमेशा की तरह मुस्कुराओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम सचमुच देवता हो। वक्त बहुत कम है शिखा, मुझे डैडी के पास ले चलो, मैंने वचन तोड़ा है। मुझे क्षमा मांगनी है। अरे भाई कहाँ चली गई वो? वो कौन सी ऐसी सहेली है जिसने यहाँ आने की बजाय अपने पास बुला लिया? अब वही खड़े रहोगे? उधर भी तो देखो। जी हाँ, देखता हूँ। पंडित जी वो हार लाइए ना। वाह वाह वाह, आकाश भैया की गाड़ी आ गई। आ गई? हाँ। अरे सुनती हो, शिखा आ गई। आती हूँ। ये फूल है ना फूल, जैसे शिखा आए उस पर बरसाना। और तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? वो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो 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 बेटे, तुम भी चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। शिखा, 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 हटो, तुम हटो, हटो, बेटी, बेटी, शिखा, क्या हुआ बेटी? बोलो बेटी, क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे बच्चे को ये क्या हुआ? कोई तो बोलो ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ? शिखा, 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 नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शिखा, बेटे।
डैडी, जब आप अपनी सातवीं सालगिरह मनाएंगे तो मैं ये घुंघरू पहनकर जी भर के नाचूंगी, प्रॉमिस। शिखा बेटे, शिखा बेटी। आकाश को मुझसे ज्यादा तुमने चाहा है, उसकी देखभाल करना, उसे सहारा देना। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.